उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत गुलरभोज में पुलिस एसओजी द्वारा नकली शराब फैक्ट्री पकड़े जाने के मामले में आयुक्त आबकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपदीय परिवर्तन दल में तैनात दो इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल और दो सिपाही समेत 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें 27 जून को एसओजी द्वारा गुलरभोज इलाके में देसी शराब से भरे टेम्पो को पकड़ा गया था, जिसके चलते बताए गए स्थान पर दबिश देकर बाजपुर और काशीपुर इलाके में एक मकान में संचालित नकली देसी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर 112 पेटियां देसी शराब सहित घातक केमिकल के ड्रम भी बरामद किए थे और एसओजी ने पूरे प्रकरण में दो महिलाओं समेत 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया था। वहीं अभियुक्त ने बताया कि वे अवैध देसी शराब बनाकर कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में बेचने के लिए ले जाते थे। फिलहाल मामले में अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण देहरादून कमिश्नर HC सेमवाल ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई कर जनपदीय प्रवर्तन दल में तैनात आबकारी निरीक्षक मोहन सिंह कोरंगा, प्रवर्तन दल अधिकारी का प्रभार और आबकारी निरीक्षक सोनू सिंह और उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल नितिन कुमार और महिला सिपाही जगवती देवी और धर्म सिंह को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया।